एरे बनाते हैं, ठीक है। द टू डायमेंशनल एरे इज ऑर्गेनाइज एज मैट्रिसेस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज और कॉलम से क्या रहेंगे, कलेक्शन होंगे, ठीक है। तो जनरली इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में यूज करते हैं, या फिर हम लोग कोई भी टेबुलर फॉर्म में अगर डेटा हम लोग को रखना है तो उस केस पे हम लोग यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एरे नेम, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहला ब्रैकेट होगा रोज के लिए, सेकंड ब्रैकेट होगा कॉलम्स के लिए। वन डायमेंशनल एरे में सिर्फ और सिर्फ रो ही बनता था, ठीक है। उसको हम लोग लीनियर एरे भी बोलते थे। यहाँ पे क्या बन रहा है, टू डायमेंशनल एरे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें होंगी, रोज और कॉलम्स, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इंट, ठीक है, टू डायमेंशनल, और उसके बाद फोर और थ्री, कितने रोज है, फोर रोज है और थ्री कॉलम्स है, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन इसका ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे इनिशियलाइज करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, डेटा टाइप लिखा, और उसके बाद एरे नेम लिखा, और उसके बाद रोज लिखा। रोज कितने हैं, फोर रोज है, कॉलम्स कितने हैं, थ्री कॉलम्स है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे कैटेगराइज किया हुआ है ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे थ्री थ्री के पेयर में ब्रैकेट सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। कैसे सेपरेट किया गया, रोज कितने हैं, फोर रोज है, कॉलम कितने हैं, थ्री, ठीक है। तो फर्स्ट रो, ये पूरा एक फर्स्ट रो है, ठीक है, ये पूरा एक फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये फिर आ गया सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर आ गया थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। फोर्थ रो, फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। समझ में आया कैसे हम लोग इनिशियलाइज किए, ठीक है। हम लोग चाहते तो ब्रैकेट नहीं भी लगा के डायरेक्ट लिख लेते, ठीक है, वैसा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है उस समय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सेपरेट करेंगे तो हम लोग के लिए ही आसानी है, ताकि हम लोग समझ पाए कि रोज इसमें फोर है और उसके अंदर कॉलम कितने हैं, थ्री कॉलम्स है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनर ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग को उस समय काउंट करना पड़ेगा। काउंट कैसे करोगे, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री करना, ठीक है। तो कितना आएगा, ट्वेल्व, वहां ट्वेल्व वैल्यूज होगी, चेक करो कितनी वैल्यूज है, ट्वेल्व, ठीक है। तो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, ठीक है, उतनी वहां एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, आया समझ में। तो बेटर ये है कि यहाँ पे इस टाइप से कैटेगराइज पहले ही कर दो, ठीक है। रोज को एक अलग से ब्रैकेट में लेके कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये रहा इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इसको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही एक्सेस करेंगे जैसा हम लोग वन डायमेंशनल एरे को एक्सेस करते थे फॉर लूप से, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। चलो इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल लिया आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम लोग इनिशियलाइज करेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया आई और जे, ठीक है। आई जो है वो रो के लिए यूज होगा, जे जो है वो कॉलम के लिए यूज होगा, ठीक है। आई हम लोग आउटर फॉर लूप में यूज करेंगे और जे हम लोग इनर फॉर लूप में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कैरे डिफाइन किया, ठीक है, इंटीजर ए आर आर ऑफ फोर क्रॉस थ्री, ठीक है। रोज कितने हैं, फोर रोज है, कॉलम्स कितने हैं, थ्री कॉलम्स है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो बनाया, सेकंड रो बनाया, थर्ड रो बनाया और फोर्थ रो बनाया, और सभी रोज में कितने एलिमेंट्स हैं, तीन तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सभी रो में तीन तीन कॉलम्स है, आया समझ में, ठीक है।
अब हमारा लूप स्टार्ट होता है, हम लोग इस पर ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, ट्रैवर्सिंग 2D एरे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। क्या लूप लगाएंगे? फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फोर, आई प्लस प्लस। हमारा लूप कहां से कहां तक चल रहा है? जीरो से लेके फोर तक चल रहा है, ठीक है, जीरो से फोर तक चल रहा है, ठीक है। और कितना हमारे पास रोज है? फोर रोज है, ठीक है। लेस देन फोर मतलब जीरो, वन, टू, थ्री, चार बार चला। जीरो के लिए चलेगा, वन के लिए चलेगा, टू के लिए चलेगा और थ्री के लिए चलेगा। चार बार लूप चल गया, ठीक है। अब चारों रो के अंदर कितने कॉलम्स है? तीन कॉलम है, तो अंदर वाला लूप कहां से कहां तक चलेगा? जीरो टू लेस देन थ्री, ठीक है। तो हम लोग इस इनर लूप को स्टार्ट किए, जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन थ्री, जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अंदर वाला लूप कितने बार चल रहा है? 12 बार। कैसे 12 बार? अगर i की वैल्यू 0 होगी तो अंदर वाला लूप कहां से कहां तक चलेगा? 0, 1, 2, ठीक है, तीन बार चला, ठीक है। i इक्वल टू 1 होगी तो अंदर वाला लूप फिर से तीन बार चलेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखो, ये फर्स्ट लूप है, 1, 2, 3 वाला क्या है? ये रो हुआ और इसके अंदर तीन कॉलम है, ठीक है। मतलब i इक्वल टू 0, उसके अंदर अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा? तीन बार चला, ठीक है। तो क्या एक्सेस किया? 1, 2, 3 एक्सेस किया। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे? जैसा वहां पे हम लोग आई लेते थे वैसे, ठीक है। प्रिंटेड एआरआर ऑफ परसेंट डी, और यहाँ परसेंट डी लिखे इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। और यहाँ कॉमा देखिए, आई जे और एआरआर ऑफ आई जे, ठीक है, आया समझ में? तो आउटपुट कुछ इस प्रकार से हम लोग को मिलेगा, ठीक है। 0, 0, 0, 1, 0, 2, ठीक है, 1, 0, 1, 1, 1, 2, ठीक है, 2, 0, 2, 1, 2, 2, ठीक है, 3, 0, 3, 1, 3, 2, ठीक है, समझ में आया? इसको रन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं अभी तक? ठीक है, एक्सेस कैसे करेंगे? नेस्टेड फॉर लूप से, ठीक है। आउटर लूप किसके लिए चलेगा? रोज के लिए चलेगा। इनर लूप किसके लिए चलेगा? कॉलम्स के लिए चलेगा, ठीक है। अगर मान के चलो 4x3 बोल रहे हैं, मतलब 4 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इनर लूप कितने बार चलेगा? 12 बार। एलिमेंट्स कितने होंगे? 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। समझ गए कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैसे लूप चलाना है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? बन जाएगा, ठीक है, चलो बना के देखते हैं इसको, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट, चलो टू ट्रैवर्स, ठीक है, टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे पहले से इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है, गेट सी एच, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लिखना उतना छोड़ दो, अभी कुछ मत लिखो, ठीक है, मैं मौका दूंगा लिखने का, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, आई और जे, ठीक है, दो वेरिएबल मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं देता हूं इंट ए आर आर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दे दिए रो और दूसरा देंगे कॉलम, ठीक है। तो मान के चलो मैं यहाँ पे 4 और यहां दे देता हूं 3, ठीक है। कैसे इनिशियलाइज करेंगे? इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, इसके अंदर एक और ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रो क्रिएट करना है, ठीक है। मैं लिखा 1, 2, 3, ठीक है,
फिर भी ब्रैकेट के बाहर जाऊंगा, एक कॉमा लगाऊंगा, फिर से एक ब्रैकेट लगाऊंगा, अब आ गया सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो आ गया। मैं लिखता हूं यहाँ पे 4, 5, 6, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर गया थर्ड रो, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर 7, 8, 9, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर गया और कॉमा लगाया, फिर से फोर्थ रो, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी 10, 11, 12, ठीक है, बन गया। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 12 एलिमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करते हैं, CLR SCR, ठीक है। अब इसको एक्सेस करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग, फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, मैं लगाता हूं एक फॉर यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर के अंदर हम लोग क्या लेंगे, दूसरा फॉर लेंगे, ठीक है। आउटर फॉर लूप किसके लिए चलेगा, रोज के लिए चलेगा, इनर फॉर लूप किसके लिए चलेगा, कॉलम्स के लिए चलेगा, ठीक है। तो आउटर फॉर लूप में हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे आई, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाने वाला है, 4 तक जाने वाला है, तो हम लोग क्या कंडीशन लिखेंगे, आई इज लेस देन 4, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब कॉलम कहां से कहां तक चलने वाला है, जे इक्वल टू 0, ठीक है, जे इज लेस देन बी, जे प्लस प्लस, हो गया हमारा कॉलम भी एक्सेस हो गया, हमारा रो भी एक्सेस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ ARR ऑफ परसेंट डी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू परसेंट डी, और लास्ट में दे दूंगा स्लैश एन, ठीक है, कॉमा देखिए मैं देखता हूँ आई कॉमा जे कॉमा ARR ऑफ आई जे, आई और जे, ठीक है, हो गया, बन गया एरे हमारा, एरे बन भी गया और एक्सेस भी हो गया। अब इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है, 2D array, ठीक है, इसको कर लेते हैं कंपाइल और इसको करते हैं रन, देखो हो गया एक्सेस, ठीक है, ARR ऑफ 00, 01, 02, ठीक है, फिर आ गया 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, ठीक है, कितने रो है, 4 रो, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स है, ठीक है, 0, 1 और 2, समझ में आया कि नहीं आया, वाह कैसे समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया इसमें, देखो ड्राई रन करके देखो तब समझ में आएगा, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे ड्राई रन करके देखते हैं इसको, ठीक है, सब इधर ध्यान दो, ठीक है, गेट के बाहर कोई नहीं है ना, कोई है, कौन है, अच्छा ठीक है, चलो इसको ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है, आउटर लूप कहां से कहां तक चलने वाला है, 0 से लेके 4 तक चलने वाला है, ठीक है, जे की वैल्यू कहां से कहां तक जाने वाली है, 0 से लेके 3, ठीक है, रो बन रहे हैं 4, कॉलम बन रहे हैं 3, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पे आई की वैल्यू सबसे पहले 0 है, लिखते जाओ कॉपी में, लिखते जाओ नोट करते जाओ, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, आई की वैल्यू 0, ऐसे लिखो आई जे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ARR ऑफ आई जे, बस इतना लिखना, ठीक है, ये वाला लाइन पूरा, ये वाला आई लिखो, जे लिखो और ARR ऑफ परसेंट डी इस प्रकार से लिखना, ठीक है,
लिख लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, आई की वैल्यू जीरो है, इस लूप में आएगा। जे की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, जीरो इज लेस देन थ्री, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो यहां पे क्या आएगा, ए आर आर ऑफ जीरो कॉमा जीरो, मतलब जीरो रो जीरो इंडेक्स। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, वन प्रिंट करेगा। ठीक है, ये जीरो थ्रो और जीरो कॉलम। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो है, जे इक्वल टू जीरो, इसका इंडेक्स क्या है, अरे कहां से वन होगा, जीरो जीरो है ना इसका इंडेक्स, रो नंबर जीरो कॉलम नंबर जीरो, आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, वन प्रिंट होगा। ठीक है, आया समझ में, तो ए आर आर ऑफ जीरो जीरो इक्वल टू वन आया आउटपुट। ठीक है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जीरो से क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, ए आर आर ऑफ जीरो वन इक्वल टू टू, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। ठीक है, ए आर आर ऑफ जीरो टू इक्वल टू थ्री। ठीक है, ये वाला लूप खत्म। ठीक है, जीरो के लिए चल गया, टू के लिए चल गया, सॉरी वन के लिए चल गया, टू के लिए चल गया। ठीक है, जैसे थ्री होगा कंडीशन फॉल्स। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट खत्म। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो से हो जाएगी वन। ठीक है, फिर इसके लिए लूप चलेगा अंदर वाला तीन बार। ठीक है, जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए। ठीक है, तो ए आर आर ऑफ वन जीरो क्या होगा, फोर। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू जे की इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वन हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू वन है, जे की भी वैल्यू वन है, तो ए आर आर ऑफ वन वन इक्वल टू फाइव। ठीक है, फिर उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू हो जाएगी टू, आई की वैल्यू है वन, जे की वैल्यू है टू, ए आर आर ऑफ वन टू क्या हो गया, सिक्स आया। ठीक है, सेकेंड रो कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाएगा ये वाला हमारा लूप कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू है टू, टू के लिए अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, तीन बार चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू जीरो है, ठीक है, आई की वैल्यू टू है, तो ए आर आर ऑफ टू जीरो कितना आएगा, सेवन। ठीक है, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी, जीरो से वन हो जाएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू है टू, जे की वैल्यू है वन, ए आर आर ऑफ टू वन इक्वल टू एट। ठीक है, फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू हो जाएगी अब टू। ठीक है, आई की वैल्यू है टू, जे की वैल्यू टू, ए आर आर ऑफ टू टू इक्वल टू नाइन। ठीक है, कंप्लीट। अब फिर से ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। ठीक है, लास्ट वाला रो है, फिर अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, तीन बार चला। ठीक है, जे इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू क्या है, थ्री है। ठीक है, तो ए आर ऑफ थ्री जीरो इक्वल टू टेन। ठीक है, फिर उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू हो जाएगी वन, आई की वैल्यू है थ्री। ठीक है, ए आर आर ऑफ थ्री वन इक्वल टू इलेवन। ठीक है, जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, अब क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू है थ्री, ठीक है, जे की वैल्यू टू, ए आर आर ऑफ थ्री टू इक्वल टू ट्वेल्व। ठीक है, फिर उसके बाद जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू हो जाएगी थ्री। ठीक है, कंडीशन फॉल्स, ये लूप खत्म, अंदर वाला लूप की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू फोर, ये भी कंडीशन फॉल्स, और लूप यहीं पे रुक जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, पक्का?
सर वॉइस नहीं आ रही है। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ही टू डायमेंशनल एरे लिया है, अब हम लोग एक और लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे और एक थर्ड टू डायमेंशनल एरे में उसको सेव करेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या करने वाले हैं? जैसे दो वेरिएबल की वैल्यू का ऐड करते थे, अब हम लोग दो टू डायमेंशनल एरे की वैल्यू का ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो मैं अब इसको रन टाइम पे इनपुट लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे तीन एरे को डिफाइन करता हूँ ARR, ठीक है। इसका साइज मैं 3-3 दे रहा हूँ, ठीक है, 3 row 3 column, ठीक है। ARR 1, ठीक है, सेम मैं दूंगा ARR 2 ऑफ साइज 3-3, 3 और 3 कॉमा ARR 3, या फिर मैं ऐसा देता हूं सम ऑफ 3 rows और 3 columns, ठीक है। मैंने तीन एरे बनाए, तीनों के तीनों इंटीजर टाइप के, ठीक है, तीनों इंटीजर टाइप के, ठीक है। क्लियर स्क्रीन किया, और यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर लूप को मैंने यहां से उठाया और क्या किया, कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रिंट एफ, ठीक है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स स्लैश एन, ठीक है। और यहां पे हम लोग गए, मैं इस लाइन को हटा देता हूं और यहां पे लिखता हूं ARR1, ठीक है, %D%D, ठीक है। और यहां पे क्या देंगे हम लोग, इस टाइप का कोलन दे देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, और कॉमा देके यहां पे क्या लिखूंगा, i, j, ठीक है। और हमारा लूप कहां से कहां तक चलने वाला है, पहले 4 row थे और 3 column थे, ठीक है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आउटर लूप 3 बार चलेगा और इनर लूप भी 3 बार चलेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे scanf, क्या लिखेंगे, scanf, और यहाँ पे हम लोग 2 बार %D लगाएंगे, क्यों, 2 बार %D लगाएंगे, और नहीं सॉरी, 1 ही बार लगाएंगे, ठीक है, और कॉमा देके क्या लिखेंगे, ARR1, और यहाँ पे i और j, ठीक है, क्लियर। मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स में वैल्यू को इनपुट ले लिया, ठीक है, वैसे सेकंड में भी ले लेंगे, तो सेकंड में भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पे लिख लेंगे एंटर एलिमेंट्स फॉर सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। सेम यहां पे लूंगा, बस यहां पे ARR of 2 हम लोग कर लेंगे, ठीक है, सेम हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स में इनपुट हम लोग को मिल चुका है, ठीक है, अब दोनों को ऐड करना है और किस में डालना है, थर्ड में डालना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे उसको, कैसे ट्रैवर्स करेंगे, लूप लगा के, लूप लगाए हमारे पास और इसको 3 बार चलाएंगे और कॉलम को भी कितने बार चलाएंगे, 3 बार चलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको, इस लाइन को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास थर्ड वाला एरे क्या है, सम, ठीक है, सम ऑफ i j, ठीक है, इक्वल टू ARR of 1 i j, ठीक है, प्लस ARR of 2
आई जे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, डबल कोट, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, वो तो हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, सम की वैल्यू प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, लिखेंगे परसेंट डी। ठीक है, तो उसके बाद एक टैब का स्पेस देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्लैश टी। ठीक है, या फिर एक दो स्पेस दे दो बस। ठीक है, कॉमा देखिए हम लोग किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, सम ऑफ आई जे, आई और जे। ठीक है, और जैसे ही ये इनर लूप खत्म होगा तो हम लोग को एक न्यू लाइन वहां पे चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और स्लैश एन। ठीक है, स्लैश एन। ठीक है, तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो आउटपुट हम लोग को बहुत सुंदर सा यहाँ देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसा भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे ऑफ फर्स्ट एरे इज। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, परसेंट डी। ठीक है, और किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, ए आर आर वन। ठीक है, ऑफ आई जे, उल्टा ब्रैकेट लग गया क्या। ठीक है, आई और जे। ठीक है, ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एरे इज ए आर आर ऑफ टू। ठीक है, यहां पे क्या लिख लेंगे, ए आर आर टू दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, दोनों मैट्रिक्स प्रिंट करेगा और उसके बाद सम को प्रिंट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे हम लोग दे देंगे एक दो स्पेस ताकि हम लोग का आउटपुट थोड़ा अच्छे से दिखे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी इतना समझो, फिर एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स तीनों हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे नहीं आया? लेकिन एक साथ प्रिंट हो जाएगा यार, इसमें एक साथ नहीं करते हैं, अलग अलग ही करते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं पहले अभी। ठीक है, पॉच पॉच हो जाएगा, चलो छोड़ो, बस सम को हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं सेव। ठीक है, मैट एड डॉट सी। ठीक है, और इसको करते हैं कंपाइल और इसको करते हैं रन। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स का साइज क्या है, थ्री कॉलम्स और थ्री रोज। ठीक है, मतलब थ्री रोज है और थ्री कॉलम्स है। ठीक है, तो रो नंबर जीरो और रो नंबर कॉलम नंबर वन। ठीक है, रो नंबर जीरो और कॉलम नंबर वन, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वन। ठीक है, रो नंबर जीरो और कॉलम नंबर वन, मैं यहाँ पे डालता हूँ वन। ठीक है, फिर उसके बाद रो नंबर जीरो कॉलम नंबर टू, मैं डालता हूँ फिर से वन। ठीक है, अब आ गया रो नंबर वन कॉलम नंबर जीरो, फिर से डालता हूँ वन। ठीक है, रो नंबर
वन कॉलम नंबर वन, ठीक है, फिर से डालता हूँ वन, ठीक है, रो नंबर वन कॉलम नंबर टू, फिर से डाला मैंने वन, ठीक है, रो नंबर टू कॉलम नंबर जीरो, ठीक है, मैंने डाला वन, ठीक है, रो नंबर टू कॉलम नंबर वन, फिर से डाला वन, ठीक है, और यहां पे भी वन, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में सभी में क्या डाला, मैं वन डाल दिया, ठीक है, वैसे ही यहां पे हम लोग सेकंड में डालेंगे टू, ठीक है, टू डाल दिया। अब ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कैसे होगा, थर्ड वाला जो लूप लगाया हम लोग वहां पे ऐड होगा और वहीं पे वो प्रिंट करेगा, तो कुछ इस प्रकार से प्रिंट किया। लिखते समय बताते नहीं हो तुम लोग, क्या क्या आएगा, तो चेंज किया था मैं, कैसे हो गया सर, नीचे में टू आएगा, ठीक है, टू लिख लिए, और कहीं कुछ गलती तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ARR वन टू सम, ठीक है, ओके, ठीक है, इसको कंपाइल कर लेते हैं और एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं डालता हूं यहाँ पे वन 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 पूरे में, ठीक है, और उसके बाद टू टू डालते हैं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का प्रिंट करेगा, ठीक है, ये नहीं दिखा, ये रहा, ठीक है, वन प्लस टू कितना होगा,